जगवंदन गाइए
बोलिए भगवान की जय। आज के आनंद की जय। शरद महाराष्ट्रोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय भूब्रजराज की बांसुरी की मनमोहन की बनवारी की जय जय। ललितारंग देवी सुदेवी की जय। सत कुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। जय नट नागर नित्य बिहारी की जय। सुख सागर राज बिहारी की जय। जय प्रेम सो बोलो बोलत डोलो बोलो सेवा के बिहारी की। लाल ही लाल की लाल ही लोचन लाल के मुख लाल ही बीरा लाल बनी कट काछनी लाल की लाल के शीश मुखे सुरतीरा लाल ही बाबो सुहत सुंदर लाल खड़े यमुना जी के तीरा गोविंद प्रभु की शोभा लाल के कंठ विराजत हीरा। जय हो नंदजू के नंदन नवल लाल। जय हो हमारी प्यारी कीरत दुलारी की। जय हो यशोदाजू के बारे ब्रज चंद जू की। जय हो हमारी प्यारी भान की दुलारी की। गोकुल युवराज गोकुलेश कुल शेखर की। श्रीवन की रानी राधे बरसाने बारी की। गोपी जन वल्लभ गोविंद श्यामा श्याम जू की। सम्मिल जय बोलो राधा वल्लभ बिहारी की। मोस्त वृंदावन सुंदराभ्याम ही हमारी श्री वृंदावन की। इन भक्तन को सुख देवी बारी सुंदर युगल स्वरूप मैं आप दोनों के चरणन में प्रणाम। तत्पश्चात इतना निवेदन है हे श्री पिया पीतम जू आपके नित्य विहार को समय है गयो है सो कृपा कर नित्यरास मंडल में पधारो।
चंद्रमा कितनी सुंदर अपनी छटा को दर्शन करा रहे हो ये, और यहाँ चंद्र के दर्शन करके आज मुकु श्री राधा को बारंबार हृदय में स्मरण है रहे हो, तो बस उनकी आराधना करो कि आसो वह आए के मुकु दर्शन दे, क्योंकि चंद्र अपनी छटा अद्भुत दर्शन करा रहे हो किंतु श्री राधे मुख चंद्र पे वारो चंद्र करोर अवलोकन निस्दिन रहो जैसे चंद्र चतुर, उनके मुख को दर्शन तो एक कोटान कोट रूप धारण करके तो उनकी रूप की उनके मुख की समता नहीं कर सके है, तो बस उनको स्मरण करके उनको यहाँ बुलाओ। सुंदर दृश्य को दर्शन करके मेरे हृदय में यह कामना जागृत है रही कि मैं आपसे कछु कहूं, अहो प्रिया या पुलिन में उपजत कोटि तरंग, आ प्रिय या सरत चंद्र की विमल सो नहाई भई, या यमुना पुलिन में छिन छिन में कैसी छवि उठ रही है, छिन छिन छवि नूतन उठे देखो नैन निहार, कहत बने नहीं बेनसो शोभा अमित अपार। और श्री राधे आज यहाँ चंद्रमा के कारण सो ये यमुना की बालुका कितनी सुशोभित है रही है, के कपूर की धूर है किधो याही चंद्र को चूर, सरस सरोवर में किधो धरे सुधा कर, मानो तो राशि राशि कपूर को चूर्ण करके या यमुना पुलिन की बालुका में बिछाई दियो हुई। और श्री राधे मैं तो आपसे सत्य कह रहे हूँ, मुकु तो ऐसो प्रतीत है रहे हो है, मानो स्वयं चंद्रमा ही अपने अंकुर चूर्ण चूर्ण करके या यमुना पुलिन की बालुका में मिलके स्वयं याही पे बलिहारी है रहे हो। अद्भुत श्रृंगार है यह यमुना पुलिन को, बड़ी ही सुंदर शोभा है आज तो, यह यमुना जी कैसी हिलोर लेके बह रही है, और यह बालुका कितनी सुंदर है जो कि ना ही तो चरणन में गढ़े है और ना ही चुभे है, और चरणन को बड़ी ही शीतलता प्रदान कर रहे हैं। श्याम सुंदर या शोभा को निरख के या शोभा को देख के आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय भई है, कहो तो मैं बताऊं। हाँ बाबू प्रकट करो। ये हो मेरे प्राण
के संग में महाराज एक रस रास करके दिखाओ। श्री राधे, आपको प्रथम बात कि यहाँ ब्रज में अनंत कोट ब्रज गोपी है, तो ये आपने सत्य कही। यहाँ ब्रज में अनंत कोट ब्रज गोपी है, जिनमें हूँ 16,000 मुख्य है। 16,000 में हूँ 8 मुख्य है, 8 में हूँ 2 मुख्य है, आप और चंद्रावली। किंतु श्री राधे, मैं तो आपसे यही कहूंगा, दोहुन में तो आप ही तो मुख्य हो, क्योंकि आप ही राशेश्वरी हो, सर्वेश्वरी हो, कृपामयी हो, दयामयी हो। और की तो बात छोड़ो, मेरी तो अहलादनी शक्ति हो। द्वितीय आपको वाक्य की एक रसरास अर्थात महाराज लीला करके दिखाओ। तो आप मुझको बताओ कि यदि उन गोपीन के संग महाराज लीला करी जाएगी, तो वह महाराज में आपको सौभाग्य सिंहासन सर्वोपरि राखनो मुझको उचित है। और श्री राधे, यदि मैं आपको सौभाग्य सिंहासन सर्वोपरि रखूंगा, तो प्रतिपक्षा गोपीन के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष के भाव अवश्य उत्पन्न होंगे। फिर आप ही कृपा करके बताओ, ये एक रस रास कैसे हुए? श्याम सुंदर, वही तो मैं कह रही कि जब आप महाराज करो तो काऊ गोपी के हृदय में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं हो पावे और मेरो सौभाग्य आसन सबसे सर्वोपरि रहे। अच्छा, ये मुझको करना पड़ेगा? यही में तो आपकी विशेषता मानी जाएगी, यही में तो आपकी बड़ाई है। श्री राधे, मेरी कोई विशेषता नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि जब तक आप अपनी कृपा मुझ पे नहीं करोगी, या कार्य को मैं कैसे पूर्ण कर सकूं? अरे तुम असाध साधा करण व्याधा मेटन हार, पहले गिरवर धारण कियो अब मैं करी हो रास बिहार। आप ही की कृपा सो मैंने गिरवर धारण किया हो, अब आप ही की प्रेरणा सो, आप ही की आज्ञा सो मैं या महाराज को करवे की चेष्टा कर। अवश्य श्याम सुंदर, मैं हूँ या मैं आपको सहयोग करूंगा। बस ठीक है। एक दिना गंधर्व नाग नरकिन्नर सबके ऊपर विजय प्राप्त करी है। कोई अभिमान सो यह कहे कि हमने काम पे विजय प्राप्त करी, यह असंभव है। बड़े बड़े योगी कंदराओं में जाकर के ध्यान धरते हैं, समय आने पर उनका भी ध्यान टिक जाता है, क्योंकि मदनो मनमथो मारो प्रतुम्ब मीन मीन के तना कंदर्प दर्प कोनंग काम पंच सरस्मर। मैं मदन कहाऊं मद नहीं राखो, मर्दन कर दऊं मन मत हो सबके मन, तद को छाच करो पलछ नहीं, मार हो मार दऊं रति मत सति सबकी, मो मार की मार सो ब्रह्म कापही, मार संघार प्रहार करूं मो मार की मार सो त्रभुवन नाचे। भूल गए इंद्र हु ठकुराई देवतान की। मित्र वसंत, 33 करोड़ देवतान के जो राजा इंद्र हैं, वह अपनी ठकुराई को भूल गए। भूल गए इंद्र हु ठकुराई देवतान की,
परी जार अहिल्यासन मार ऐसी पाई है, भूल गए ज्ञानी ध्यानी नारी पार्वती समान, धाये दिगंबर भेष मोहनी बनाई है। भूल गए ब्रह्मा पर बाबा पड़े, सरस्वती पुत्री पे मति बौराई है, चंदा मुख कारो कर गुरु पत्नी संग हो झंडा फहरायो, प्रेम जग में दुहाई है। हमने सब पे विजय प्राप्त करी, देवतानु को नहीं छोड़ो, पिता में ब्रह्मा को नहीं छोड़ो, भूत भावन भगवान शिव को नहीं छोड़ो, और तो और देव ऋषि नारद को नहीं छोड़ो, जो बहुत बड़े योगी है उनको हमने काम के रूप में उनको बंदर बनाए दियो हो। हमने अपनी ध्वजा तीनों लोकन में फहराई है, चले आज बिहार करके आओ। विश्व विजय मंगल ध्वज कामदेव की जय हो, जय हो। आपकी हमारी से चल रही है, बहुत जोर से खुजार मार रही है, और ये खुजार शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरि भजे। सौ काम छोड़ करके भोजन अवश्य कर लेना चाहिए, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे सहस्त्र काम छोड़ के स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, लक्षम विहाय दातव्यम और लाखों काम छोड़ के दान अवश्य करना चाहिए, कोटिं त्यक्त्वा हरि भजे। करोड़ों काम छोड़ के भगवान श्री हरि का भजन अवश्य करना चाहिए, भूला क्यों दीवाने माया।